अस्सलाम वालेकुम। आज हम केरला स्टाइल में कच्चे केले की भजिया बनाएंगे। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। इस भजिया को हम खोल के भी दिखाते हैं, इसका लेयर्स देख सकते हैं आप। बहुत ही तिनकी बनती है और टेस्टी। इजी रेसिपी को बनाने के लिए हमने बॉल में 1 कप बेसन को डाल लिया है। इसके साथ टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 चुटकी बेकिंग सोडा को डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हुए इस को मिक्स कर लेते जाना है। बिल्कुल खाटे नहीं जैसा, यहाँ पे बहुत सारा पानी एक ही दफ़ा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं। इसको मिक्स कर लेना है, इससे बैटर का कंसिस्टेंसी पता चलता है। यहाँ पे देखिए बैटर का कंसिस्टेंसी मिक्स करने के बाद इस तरह रहना है। चम्मच को ये वीडियो में दिखाया जैसा कोट होना है बैटर, तभी परफेक्ट है भजिया बनाने के लिए बैटर। इसके बाद हम 1 मिनट तक इस बैटर को हाथ की मदद से अच्छे से बीट करेंगे। इससे एयर फॉर्म हो गए बैटर में और फ्लफ़ी बनते हैं भजिया। इसके बाद हम बैटर को साइड पे रख के केलेंग को लेके छिलका काटेंगे। हमने केलंग अच्छे से धो लिया है और इस केलंग को हम छिलका काटते हैं लाइट से। हमने इस भजिया को बनाने के लिए मीडियम साइज़ के 2 केले लिया है और यहाँ पे देखिए हमने इस केले का छिलका काट लिया है। इस तरह से लाइट से काटना है, इनका ग्रीन कलर ऐसे ही रखना है और इनके साइडों के काट दे के हम चिप्स बनाएंगे। इस चिप्स बनाने से पहले हमने बॉल में पानी डाल के इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के इसके अंदर चिप्स बना के डालते हैं। इससे चिप्स का नमक लग के भजिया में बहुत ही टेस्टी लगते हैं चिप्स, और ये चिप्स भजिया में काले नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए इसका तीन आप देख सकते हैं, इस तरह से तीन बनाना है। चिप्स की प्लेट से मत काटिए, इसको चाकू से ही काटिए। इससे इस तरह से दल रहेंगे ये चिप्स, वरना ये बहुत ज़्यादा पतले बनते हैं। चिप्स प्लेट से काटने से चाकू से काट के हमने सारे नमक पानी में रख लिया है। हाँ पे देखिए नमक पानी में थोड़ा डिप कर लेंगे, इनको हम काट देंगे क्लाथ पे रख के, एक्सेस पानी काट देंगे। इसको भजिया बनाएंगे, इसके लिए हम बनाए हुए बैटर में डिप कर लेते हुए तेल मीडियम हीट होने पर इस भजियों को एक एक डालते हुए फ्राई करना है। तेल ज़्यादा हीट या ज़्यादा कम हीट भी नहीं रहना है, मिडिल हीट पे रहना है। ज़्यादा हीट पे रहने से जल जाएंगे, कम हीट पे रहने से ये ऑयल को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। और ये मिडिल हीट पे पकाने से बहुत मज़े के क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे हमने जितने तेल में माते हैं उतने ही दाल लेके इनको साइडों को चेंज कर लेते हुए क्रिस्पी बनने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे भजिया रेडी हो गए हैं और इनको साइड पे काटेंगे। ये टेस्टी टेस्टी भजिया को ज़रूर ट्राई करिए। बहुत सारे जने क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर चावल काटा मिलाते हैं, चावल काटा मिलाने से मज़े के नहीं रहेंगे। और ऐसे ही हमने सारे भजियों को डाले के फ्राई करिए, हम दिखाए जैसा ट्राई करिए। और कैसा लगा कि आपको ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए, और पसंद आने पर लाइक कीजिए। फ्रेंड्स में फैमिली में इस रेसिपी को शेयर करिए। ऐसे ही हमने सारे भजियों को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इनका थिननेस भी अब हम खोल के दिखाएंगे इस भजियों को, आप देख सकते हैं कम ऑब्जर्व कर ले है ऑयल, और इसका थिननेस भी देख सकते हैं लेयर को इनके। और ये अंदर भी आप केले को देख सकते हैं, बिल्कुल काले नहीं हुए हैं नमक पानी में डालने से। ऐसे मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।